राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार और एक कंपनी है जिसका नाम है इंडो विंड। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से कुछ पैसे और उठाना चाह रही है राइट इश्यूज के थ्रू। तो हम इस कंपनी के बिजनेस को समझ के और ये जो राइट इश्यू में और पैसे उठा रहे हैं इससे कंपनी के बिजनेस को क्या बूस्ट मिल सकता है, क्या इसके पॉजिटिव्स हैं नेगेटिव्स हैं कंपनी के अंदर में, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बेसिक डिटेल्स को यहाँ पर देख लेते हैं राइट इश्यू से रिलेटेड, और उससे पहले ही देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो जैसे कि इंडो विंड एनर्जी, तो नाम में लिखा हुआ है कि जो विंड से जो एनर्जी बनती है, जो बिजली बनती है, उसको बेचने का कंपनी काम करती है। सो यहाँ पर कंपनी के पास में अच्छे खासे 100 से ऊपर विंड मिल वाले जो वो फैंस हैं वो हैं, विंड मिल प्लांट्स हैं कंपनी के पास में, और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिर वही इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अपने जो सरकारी एजेंसीज होती हैं उनके थ्रू और प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू बेच बेच के कंपनी पैसे कमाती है। यहाँ पर ये कंपनी का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, और उसी के रिगार्डिंग कंपनी अभी जो कंपनी के पास में आज के दिन दिन जो जो एनर्जी जो बनाने की जो क्षमता है वो लगभग 50 मेगावाट्स के आसपास में है। इसकी अगर हम लोग एक बार यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ, और उसी के साथ में कंपनी बोल रही है कि हमें जो वो एनर्जी है बढ़ाना, उसको कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 49.64 मेगावाट की 123 विंड मिल्स के थ्रू कैपेसिटी है आज के दिन। और इसी के साथ में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो कंपनी अभी और पैसे उठाना चाह रही है स्टॉक मार्केट से लगभग 48 करोड़ रुपये, जिसमें कंपनी हर 5 शेयर्स के बदले 1 शेयर देने वाली है, और जो 1 शेयर देने वाली है उसका कंपनी ने प्राइस रखा है 22 रुपये 50 पैसे। कंपनी को पूरे पैसे एक साथ में ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि आधे अभी आधे बाद में, और लगभग 48 करोड़ रुपये टोटल उठा रही है, जिसमें से कंपनी बोल रही है कि 6 मेगावाट का मुझे सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाना है तमिलनाडु के अंदर में, जो कि कंपनी के पास में खुद की ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर में ही कंपनी को लगाना है। और कंपनी बोल रही है कि आगे और फ्यूचर में वो जो प्लांट सोलर पावर प्लांट जो लगाने जा रहे हैं उसको और एक्सपेंड कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर में। तो एक रीजन तो ये है कंपनी का पैसे उठाने के पीछे, और दूसरा जो मेन रीजन है कंपनी के ऊपर में एक लोन है लॉयल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड नाम से किसी कंपनी का। ये कंपनी के ऊपर में लोन चढ़ गया क्योंकि ये जो कंपनी है लॉयल क्रेडिट वाले इन लोगों ने इस कंपनी को लोन दिया था लगभग 18 करोड़ रुपए का, क्योंकि एक कंपनी का एक कोई बकाया था एक्जिम नाम की कोई कंपनी के ऊपर में, तो उसको चुकाने थे पैसे। तो पिछली बार कंपनी ने राइट इश्यू के थ्रू और पैसे उठाए थे, बट राइट इश्यू में जितने पैसे उठाना चाह रही थी कंपनी उतने आए नहीं, तो कम पड़ गए इसको चुकाने के लिए। तो इसको जो पूरे पैसे चुकाने थे उसके लिए फिर कंपनी को लोन लेना पड़ा था लॉयल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट वालों से, और इन्होंने जो लोन दिया है 18 करोड़ रुपये का वो 24% के ब्याज पे दिया था। वो बाय गॉड बहुत ज़्यादा लोन, महंगा लोन दिया था इन्होंने, और वही लोन जो है कुछ अमाउंट तक कंपनी बोल रही कि आईपीओ के ये जो राइट इशू के पैसों से हमको चुकाना है ताकि थोड़ा बहुत बाहर कंपनी के ऊपर से कम हो सके। तो ये बेसिक दो रीजंस हैं, एक तो साथ में कैपेसिटी बढ़ानी है बिजनेस की, और दूसरा जो बोझ है कंपनी के ऊपर उसको कम करना है। अब यहाँ पे कंपनी अच्छा खासा बोझ तो इस कंपनी का कम कर चुकी है 18 करोड़ रुपये वाला, क्योंकि कंपनी ने शेयर्स दे दिए हैं लोन के बदले इस कंपनी को लॉयल वालों को, फिर भी अच्छा का लोन बच गया है। तो अभी जो पैसा बचा हुआ है उसका ये कंपनी बोल रही है, क्योंकि ये आज के दिन जो लॉयल वाले हैं ये इस कंपनी के प्रमोटर्स के अंदर भी वैसे लगभग 8% शेयर होल्डिंग कंपनी की ओन करते हैं, तो इनको भी राइट इश्यू के अंदर में पेमेंट करना पड़ेगा। राइट इश्यू के लिए जो शेयर्स एक्स्ट्रा जरूरत पड़ने वाली है पैसों की, तो ये कंपनी बोल रही है लॉयल वाले की हमारा जो हम आपसे जो लोन का पैसा मांगते हैं उसमें से एडजस्ट करके हमारा राइट इश्यू का पैसा काट लेना, ऐसा ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं अब थोड़ा सा कंपनी के बारे में, कंपनी के ऊपर में थोड़े से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में, तो सबसे जो मेन चीज़ है वो यही है कि कंपनी के पास में आज के दिन 50 मेगावाट का प्लांट है, और ये 6 मेगावाट का प्लांट और तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद में कंपनी का जो कैपेसिटी है वो लगभग 56 के आसपास में मेगावाट तक पहुँच जाएगी। तो पर मेगावाट कंपनी का अगर हम रेवेन्यू की अगर बात करते हैं यहाँ पर जैसे कि नेट प्रॉफिट्स, तो 39 करोड़ के आसपास में कंपनी ने कमा रही है, तो 50 मेगावाट से कंपनी कमा रही है, तो पर मेगावाट लगभग 80 लाख रुपए साल का कंपनी कमा रही है पर मेगावाट कैपेसिटी से। तो यहाँ पे 6 मेगावाट और बढ़ जाएगा तो 8 × 48 तो 5 करोड़ के आसपास में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ जाएगा जैसे ही इस राइट इश्यू के पैसों से कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेती है, तो रेवेन्यू विल इंक्रीज। उसी के साथ में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट सॉरी ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट्स हैं ये अगर इनको देखते हैं तो 45 तो लगभग
कितना मान के चलिए आपके साथ 30% के आसपास में कंपनी कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स निकाल पा रही है 30% के आसपास में। सो उस 6-5 करोड़ के अंदर में से जो 30% निकल के आता है लगभग कितना मान के चलिए आप 1.5 करोड़ रुपया। सो 1.5 करोड़ रुपए का कंपनी का नेट प्रॉफिट हर साल का जैसे ही वो प्लांट बन के तैयार हो जाता है 1.5 करोड़ रुपया आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंपनी के बारे में पॉजिटिव है। साथ में ही कंपनी जितने पैसे उठा रही है उसमें से लोन का बकाया भी अच्छा खासा चुका देगी। तो यहाँ पर कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट जो कंपनी आज के दिन कर रही है 4,27,00,000 का, तो ये बोरोइंग यहाँ पर घट जाएगा लगभग 10 करोड़ रुपए से। कंपनी बोल रही है हम हमारा बोरोइंग कम कर देंगे, तो ये 45 करोड़ से हो जाएगा। तो यहाँ पर और वो भी महंगे वाला जो लोन है, क्योंकि बाकी जो लोन लिया हुआ है वो इरेडा से लिया हुआ है और इरेडा सस्ता लोन लिया हुआ है, तो ये जो महंगा वाला जो लोन है ये खत्म कम हो जाएगा कंपनी का। तो यहाँ पर लगभग हम मान के चल रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए की सहूलियत इंटरेस्ट के पेमेंट में मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पर 1.5 करोड़ + 2 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपए से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो वो बढ़ जाएगा तो कंपनी का जो डेप्रिसिएशन वाला जो पार्ट है, जो कि कंपनीज को यूजुअली बेनिफिट ही करता है, ये वाला पार्ट बचेगा। तो ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो रियल सेंस के अंदर में बढ़ जाएगा। सो ओवरऑल जो ये राइट इश्यू है ये कंपनी को बेनिफिट ही करता हुआ दिख रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, राइट तो ये डिसीजन इन्वेस्टर्स के फेवर में हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़े से मैंने स्क्रीनशॉट्स भी कंपनी के लिए हैं तो यहाँ पर उनको भी एक बार देख लेते हैं, राइट ये स्क्रीनशॉट के अंदर में तो कंपनी के कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है। 48% जो कंपनी का आ रहा है वो जो टॉप के जो 5 कस्टमर्स हैं वहीं से आ रहा है कंपनी का। यहाँ पर कंपनी जो कमर्शियल स्पेस यूज़ करती है, जहाँ से मैनेज करती है, वो को वर्किंग स्पेस है। तो उसका कंपनी को 2.25 लाख रुपए का मंथली किराए के हिसाब से कंपनी यहाँ पे पेमेंट करती है। बिकॉज दैट पर्टिकुलर स्पेस जहाँ पे कंपनी काम करती है वो ओन्ड नहीं है, कंपनी द्वारा लीज पर है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के जो मेनली जो प्लांट्स हैं विंड मिल प्लांट्स हैं वो तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर में ही आज के दिन, जिसमें से मेनली तमिलनाडु में, और नया जो प्लांट लगने वाला है इन पैसों से राइट इश्यू के पैसों में वो तमिलनाडु में ही लगने वाला है। इसके साथ में कंपनी के पास में 643 एकड़ लैंड कंपनी के पास में खुद के पास में है, जिसमें से कंपनी बोल रही है कि 198 एकड़ लैंड जो है वो इनको प्रमोटर्स को देना पड़ेगा, ऐसा कोई कॉन्ट्रेक्चुअल इनका एग्रीमेंट हो रखा है। तो कंपनी के पास में यूजुअली जो बचेगा वो 445 एकर्स का लैंड कंपनी के पास बचेगा। तो यहाँ पर आज के दिन एकर्स में बात चल रही है ये, राइट बट ये एकर्स में जो बात चल रही है वो देखा जाए तो गाँव में ज़मीन है, जिसकी वैल्यू देखा जाए तो ठीक ठाक वैल्यू है 450 एकर्स। अगर हम लोग मान के चलते हैं कि 1 एकड़ ज़मीन की जो वैल्यू है गाँव के अंदर में भी आज के दिन, तो वो लगभग 15 लाख के आसपास में बनती है। तो 15 लाख से 450 कर लो, हमारे यहाँ पर 15 लाख के आसपास में पर एकड़ के आसपास में यूजुअली ज़मीन के भाव मिल जाते हैं। तो 15 लाख को 445 एकड़ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 66,75,00,000 रुपए की, लगभग 70 करोड़ रुपए के आसपास की ज़मीन कंपनी के पास में है। वो डिपेंड करेगा कि अगर शहर के पास में है तो वो महंगी भी हो सकती है, और गांव के अंदर में है अंदरूनी, तो फिर ये हमने मिनिमम अमाउंट एक निकालने की कोशिश किया है। यहाँ के प्राइसेज जो जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं वहाँ के हिसाब से एक थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने का कोशिश हमने किया है ज़मीन का। और कंपनी की आज के दिन जो वैल्यू है वो 382 करोड़ रुपए की ही कंपनी है। तो इस हिसाब से देखने को मिल सकता है कंपनी के पास में अच्छा खासा लैंड है। इसी के साथ में कंपनी के ऊपर जो विंड मिल प्लांट्स हैं उनकी अलग वैल्यू है। तो इसी हिसाब से कंपनी की जो आज के दिन निकल के आ रही है वैल्यू वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो निकल के आती है। बिकॉज जब हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट में चेक करते हैं लैंड का भाव फिक्स्ड एसेट्स के अंदर में, तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि 34 करोड़ रुपए का लैंड खरीदा हुआ है। बट द थिंग इज कि लैंड जब का खरीदा हुआ है तब की बुक वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेटेड होती है, जब खरीदा था तब। बट आज के दिन ये तो है नहीं कि जो 6-7 साल पहले जो ज़मीन खरीदी थी उसका भाव आज भी उतना ही रहेगा, ये तो है नहीं, भाव तो बढ़ेगा ज़मीन का भाव तो, राइट। तो इसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इसी के साथ में प्लांट एंड मशीनरी का कंपनी डिप्रिसिएशन ले लेती है, तो विंड मिल्स की जो खुद की आज के दिन वैल्यू है वो एक्स्ट्रा है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के अंदर में पर्सनल बेसिस के ऊपर जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से कंपनी के एसेट्स की अभी भी काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू है, जितनी कंपनी की वैल्यू है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा वैल्यू बनी हुई है, बची हुई है।
बट मुझे मैनेजमेंट के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा शक है कि मैनेजमेंट इस कंपनी का थोड़ा सा ढीला ही है, काफ़ी ढीला है। क्यों ढीला है उसके पीछे भी रीजंस की बात करते हैं। अभी तो कंपनी के बारे में पॉजिटिव है, बिजनेस भी अच्छा, फ्यूचर में बढ़ने की उम्मीदें हैं, साथ में कंपनी के पास में एसेट्स भी बहुत अच्छे हैं जिनकी आज के दिन अच्छी खासी वैल्यू है। इसी के साथ में कंपनी के अगर और चीज़ों को देखते हैं, 1 सेकेंड। ओके, तो ये कंपनी का 18 करोड़ रुपए का, सॉरी 18 एकड़ के अंदर में ये जो प्लांट लगने वाला है तमिलनाडु के अंदर में, जिसने पैसों की उठा के जो 6 मेगावाट का लगाने वाले हैं और उसको फिर और एक्सपेंड करने वाले हैं फ्यूचर में, उसकी इन्फॉर्मेशन कंपनी ने दे रखी है। ये 18 करोड़ का जो लोन कंपनी ने ले रखा है उसका है। ये एक कंपनी के ऊपर में केस चल रहा है जो कि काफ़ी पुराना है, जो कंपनी ने पैसे उठाए थे कोई न्यूयॉर्क मेलन नाम से कोई बैंक है, न्यूयॉर्क मेलन बैंक, लगभग 30-30 मिलियन डॉलर्स के आसपास में उन्होंने इस कंपनी को वाइंडिंग अप नोटिस दे रखा है, जो कि कंपनी जो है वो वाली जो जो बैंक है, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन, वो जीत भी चुका है। मतलब अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं, इसके जो वाइंडिंग अप पेटिशन है वो एडमिट कर ली गई है 20 मई 2020 को। तो यहाँ पर ये जो कंपनी का जो बिजनेस है वो वाइंड अप हो सकता है, बंद हो सकती है कंपनी। बट यहाँ पर एक रिव्यू पेटिशन फाइल कर रखी है कंपनी ने, वो अभी तक उसका केस चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार ये जो कंपनी के फेवर में नहीं आया है डिसीजन, कंपनी के अगेंस्ट में डिसीजन आया, ये अगेन अगर रिव्यू पेटिशन अगर फाइल हो जाती है अगेन, और उसमें भी कंपनी बैंक जो है जीत जाता है, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन, तो बिजनेस अगेन वाइंड अप हो सकता है, ज़मीन वमीन सब कुछ बिक जाएंगे, राइट। तो ये कंपनी के ऊपर में एक केस चल रहा है, बट अभी एक्शन लेना बाकी है, अभी रिव्यू पेटिशन की वजह से बचा हुआ है। नेक्स्ट कंपनी के 2023 में काफ़ी सारे जो कंप्लायंस इश्यूज, जो कि BSE और NSE ने काफ़ी अच्छे खासे फाइन्स इम्पोज किए थे कंपनी के ऊपर में, इनको डिस्क्लोजर रिलेटेड पार्टी जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं कि कंपनी ने किसको पेमेंट किया, कितने का पेमेंट किया, मैनेजमेंट ने वो जो डिस्क्लोज है वो नहीं किया था, जिसके बदले डिले फाइलिंग की, जिसके बाद में कंपनी को यहाँ पर फीस भी पे करनी पड़ी थी, राइट। और कंप्लायंस रिपोर्ट भी इन्होंने जमा नहीं की, शेयर होल्डिंग पैटर्न इन्होंने जमा नहीं किया, तो इनके लिए इन्होंने अलग अलग से फाइन, तो इनके ऊपर रेगुलेटरी एक्शन भी चल रहे हैं, हो रखे हैं। तो कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर में मुझे डाउट दिख रहा है कि ये इन्वेस्टर्स के फेवर के अंदर में सोचते हैं। दूसरी चीज, अब सोच के देखो कि 18 करोड़ का कंपनी ने लोन लिया हुआ 24% के ब्याज के ऊपर। अब तुम सोच के देखो, मार्केट में बैंक्स यूजुअली, तुम इन कंपनी इस कंपनी के पास इतनी ज़मीन पड़ी है जिसको गिरवी रख के वो आराम से और भी सस्ते में लोन ले सकती थी बैंक से, कहाँ इनको जरूरत पड़ेगी 24% के ब्याज के ऊपर में 18 करोड़ का लोन ले, राइट। तो मैनेजमेंट का मुझे जो डिसीजन जो है वो कंपनी के और इन्वेस्टर्स के फेवर में होता हुआ नहीं दिख रहा है। पीछे के काफ़ी सारे एक्शन जो मैनेजमेंट ले रहा है वो मुझे कहीं ना कहीं पर्सनल फेवर के दिखते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टर्स के फेवर के नहीं दिखते हैं। आई थिंक मैनेजमेंट को पूरे कोई चेंज कर देना चाहिए यहाँ पे। ये एक काइंड ऑफ निकल के आ रहा है, जो इस एनालिसिस का व्यू निकल के आ रहा है। बाकी कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस ठीक है, कंपनी के पास में एसेट्स अच्छे खासे हैं। अब यहाँ पे अगर वो केस कंपनी फिर से आ जाती है तो फिर वाइंड अप हो सकती है। दूसरा, कंपनी का मैनेजमेंट गड़बड़ाया हुआ है। दूसरा, तीसरा, कंपनी का फ्यूचर जो है मैनेजमेंट ही गड़बड़ाया हुआ है, तो फिर फ्यूचर की तो क्या ही बात कर सकते हैं। यही अपना टोटल ओवरऑल व्यू है, बाकी आपको कोई भी डिसीजन लेना है उसके हिसाब से आपको रिसर्च और फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही बेचने का खरीदने का डिसीजन आपको लेना चाहिए। दैट्स ऑल। अब बाकी अब ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा उसका हमें कुछ नहीं पता। बाकी अभी पिछले कुछ साल के अंदर में कंपनी का स्टॉक अच्छा खासा ऊपर भागा है, बाइंग भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर में, और ऊपर की तरफ में भागता हुआ नजर आ रहा है। बट एक काइंड ऑफ आपको किन चीज़ों को पता होना चाहिए वो हमने इस एनालिसिस के अंदर में डिस्कस की है। इसी के साथ में अगर हम पी रेशियो की भी बात करते हैं तो पी रेशियो भी लोवेस्ट लेवल पे चल रहा है, और बुक वैल्यू की भी बात करते हैं तो वो भी थोड़ा सा हाई लेवल के ऊपर में ही चल रहा है पास्ट डेटा के हिसाब से। तो यहाँ पर कंपनी का स्टॉक अच्छा खासा ऊपर चल रहा है। तो अगर ये इश्यूज़ ना होना, एक तो ये वो वाइंड अप वाला केस इशू ना हो और साथ में एक मैनेजमेंट का थोड़ा सा इश्यू ना रहे, तो फिर कंपनी आज के दिन सोना है ऐसा प्रतीत होता है। दैट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी व्हाट एवर यू थिंक अबाउट द कंपनी डू कमेंट, और कल फिर मिलते हैं। सी यू टुमॉरो।